हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज मैं कोई प्लांट के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन एक बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, वैसे तो शॉपिंग ऑनलाइन की है मैंने अमेजोन से बहुत, लेकिन प्लांट्स की शॉपिंग नहीं की। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक प्लांट मंगाया, मुझे क्लाइंबिंग रोज चाहिए था बहुत दिन से, तो वो मुझे मिल गया है अमेजोन पे, तो वो मैंने मंगाया। ये देखिए, ये आया है, आप ये देख पा रहे होंगे, एड्रेस है पुष्पिता नर्सरी काशीपुर वेस्ट बंगाल से। तो पहले तो मैं इसकी रेट्स के बारे में बात करूंगी। जो मुझे मिला है वो 299 रुपीस का मिला है, और मैंने इसको काफ़ी दिन पहले कार्ट में अपनी डाला था और मैंने अब ऑर्डर कर दिया, तो वो 299। अब मैंने जब फ्रेश देखा उनकी लिस्ट में तो नाउ दे आर गिविंग इट एट 229, लेकिन जब कार्ट में था तो वो भी 229 का होना चाहिए था, लेकिन मुझसे तो 299 ही डिडक्ट हुए। चलिए छोड़िए, फिर भी मैंने कहा चलो छोड़ो। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो मुझे ध्यान है, मैंने थोड़ा सा उतारा, मुझे ध्यान आया, ये देखिए, कि मैं आप लोगों से भी इसको शेयर करती हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त मुझे प्लांट कैसा मिला, क्योंकि बहुत सुंदर है। इनकी जो पिक लगी हुई है उस पर तो बहुत सुंदर लग रहा है, और क्लाइंबिंग रोज, तो देखते हैं कैसा प्लांट है ये। ये ऑनलाइन प्लांट्स की मैंने कभी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मुझे तो नर्सरी में जाने में ही मज़ा आता है, या मेरे पास एक दो माली भी हैं जिनसे मैं मंगा लेती हूँ। तो देखिए ये प्लांट की रोज़ तो मेरे को नाम से भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं भी रोज़ है, फिर भी चलिए देखते हैं बाकी हालत कैसी है प्लांट की देखने के लिए। और साथ साथ में मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो नहीं निकलेगा इस तरह से। और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको ऑनलाइन में प्लांट्स की शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है इसको देख के कि नहीं करनी चाहिए, फिर भी अंदर जाके देखते हैं। मैं आपको वो भी क्लिपिंग दूंगी इसके साथ, देखती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या वीडियो में ही डाल दूंगी, कि देखिए कितना सुंदर प्लांट था जो मैंने परचेज किया था। मैंने माना कि ठीक है, जितना सुंदर प्लांट है इतने सारे रोज लगा के तो मुझे नहीं दे सकते, लेकिन एक दो कुछ तो होना चाहिए था, और फिर इसके बाद भी देखूंगी कि कितना चल पाता है, इसकी अंदर से ये कितना डैमेज हो रखा है प्लांट, वो भी चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है प्लांट्स के लिए तो नर्सरी में जाना ही ठीक है। मैं देख रही थी कि लोग तो मंगाते रहते हैं ऑनलाइन, शॉपिंग करते रहते हैं प्लांट्स की, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक करके देखती हूँ। ये आम मिल नहीं रहा था किसी भी नर्सरी में प्लांट, तो मैंने कहा देखते हैं। देखिए इसके पत्ते वत्ते तो ठीक है, देखिए ये देखिए इतना छोटा सा प्लांट है ये, और ये प्लांट 299 रुपीस का दिया है। देखिए अब इसको अंदर से भी देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने पैक करके दिया। मुझे लग रहा है इसकी लीव्स तो, ये वाली लीव्स तो ठीक ठाक लग रही हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं ग्रो भी कर पाऊंगी। अगर मैं ग्रो कर पाई तो फिर तो मुझे लगेगा कि ये वर्थ है, अगर ये नहीं चल पाया और वही वाला प्लांट नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था, तो फिर ओ अच्छा, इन्होंने इस तरह से, ओ पॉट भी नहीं है कोई, ये तो न्यूज़पेपर में देखिए रैप करके, जबकि उसमें कहा था कि हम पॉट भी देंगे, ओ पॉट भी नहीं है, ये तो एक थैली में है, पॉली बैग में है। ये देखिए, ये देखिए, मैं तो इससे, मुझे तो बिल्कुल भी इससे इतने पैसे खर्च के सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन देखो अब कब तक इसके फूल आ पाते हैं, तो देखते हैं क्लाइंबिंग रोज के कितने फूल आ पाते हैं। बहुत ही छोटा सा प्लांट है, और मुझे ठीक नहीं लगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में प्लांट ठीक आया मेरे पास। तो चलिए, ये जो प्लांट मैंने क्लाइंबिंग रोज का अनबॉक्स किया है, जो कि अमेजोन से लिया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आया, क्योंकि कोई रोज तो है नहीं उसमें पत्तियां, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसको कि इसको बड़ा कर पाऊं, ग्रो कर पाऊं,
और इसमें रोज आएंगे तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। लगता है बहुत टाइम लगेगा, फिर भी मैं पूरी अपनी कोशिश मेरी बरकरार रहेगी। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगी कि आज वन महोत्सव भी हमारे देश में नेशनल वन महोत्सव स्टार्ट हो चुका है, जो कि हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक है, जिसमें कि जो कि 1950 में स्टार्ट किया गया था और अभी तक बरकरार है। और आप लोगों से उसी के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसके अकॉर्डिंग हम सब लोगों को कम से कम इस वीक में वन महोत्सव के चलते हुए दौरान एक प्लांट ज़रूर अपनी धरती माता को देना चाहिए, अपनी अर्थ को अपनी मिट्टी में ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ ही मैं तो हूँ प्लांट्स लगाते थे, लेकिन आज का मैं इसी के नाम समर्पित करती हूँ, वन महोत्सव जो कि हमारे देश में चल रहा है। तो चलिए ये वाला जो है ये रिपोर्ट करती हूँ इसमें। देखिए, इसके लिए हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप देखिए, जैसे ये प्लांट का साइज बहुत छोटा है तो इसको बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाएंगे तो उससे इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसा प्लांट हो उसी हिसाब से उसके उसको पॉट लेना चाहिए। जब वो फिर से पूरी उसकी जो रूट्स हैं वो पॉट में भर जाएं और पूरा वो पॉट को बाउंड हो जाए, रूट बाउंड हो जाए प्लांट, तब फिर से हमें उसको रिपॉट करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये इस साइज का ये वाला गमला खाली किया है और इसमें सबसे पहले देखिए आप ये होल देख पा रहे होंगे, तो इसमें हम हमेशा की तरह इसमें टिकड़ी लगा देंगे ताकि पानी की जो वो है आराम से पानी निकल पाए। और इसमें इसके लिए मैंने देखिए ये जो पॉटिंग मिक्स लिया है, इसमें मैंने गार्डन सॉइल 40% मान लीजिए और 40% ही मैंने सैंड लिया है और 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है। तो वर्मी कंपोस्ट नहीं, कंपोस्ट डाली है मैंने अपने घर की बनी हुई, और थोड़ी सी मैंने नीम की खल डाली थी। अगर आपके पास नीम खल नहीं हो अगर तो नीम के पत्ते भी सूखे हुए मिल जाएं तो वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको इस पॉट को इससे भर देती हूँ। देखिए थोड़ा भरूंगी, थोड़ा इसको प्लांट को लगाने के लिए, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो प्लांट था इसके लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं कि इसको खींचना नहीं है हमें, इसको हमें इस तरह से पहले लाइट करना है ताकि ये प्लांट अपने आप, देखिए इस तरह से ये बाहर आ जाए बिना खींचे हुए। इसको भी काफी अच्छी से इसकी रूट्स हैं इसमें, हालांकि इन्होंने स्टेम कटिंग ही दी है, स्टेम कटिंग से रूट डेवलप किया है, बट रूट अच्छे से बन चुकी है। देखिए कांटे भी आ गए हैं इसमें, तो ये इस तरह से रूट्स तो हैं इसकी। मुझे लगता है कि मैं इसको ग्रो कर पाऊंगी। तो देखिए, तो हमारा ये क्लाइंबिंग रोज है, देखिए जब रोज आएंगे तो जरूर बताऊंगी मैं आपको। और इस तरह से इसके ऊपर मैंने अपना बना हुआ पॉटिंग मिक्स फिर से डाल दिया। देखिए जो भी आप सॉइल लेंगे ये जरूर देखिएगा कि सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर पानी रुकेगा तो प्लांट्स रूट रॉट हो जाएगा। और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी बिल्कुल भी। देखिए प्लांट्स डाई होने के 2-3 रीजंस ही हैं, ज़्यादा रीजंस नहीं हैं। या तो आपका ओवर वाटरिंग करेंगे या आपकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन नहीं होगी, तब भी हो सकता है। वेल ड्रेन नहीं होगी तो पानी खड़ा रहेगा, ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी पानी खड़ा रहेगा। मैंने ऐसे बहुत कम मेरा एक्सपीरियंस है कि पानी ना देने की वजह से प्लांट डाई हुआ हो। जनरली प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग से ही जाता है। तो यही 2-3 रीजंस हैं जिनसे प्लांट चला जाता है। तो इसी के साथ ही जब भी हम प्लांट लगाएंगे तो हम ये जरूर है कि जब भी रिपॉट करेंगे तो उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी जरूर दे देना चाहिए प्लांट्स को। और हमेशा
क्योंकि अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देते हैं तो भी वो सारा जो हम रिपोर्ट करते हैं वो सूख जाता है। अच्छा, और हाँ, और जब भी हम रिपोर्ट करेंगे किसी भी प्लांट को तो भी हमें ये भी देख लेना है कि हमें उसको शेडी एरिया में रखना है, एकदम धूप के आगे हमें नहीं रखना। और रिपोर्टिंग भी कभी भी हमें मतलब आफ्टरनून में नहीं करनी है, हमेशा जब भी रिपोर्टिंग करेंगे उसको या तो सुबह का टाइम होगा या शाम का इवनिंग आवर्स में करेंगे। तो उसी तरह से मैंने भी की है और ये प्लांट भी हमारा फिक्स हो गया है। अब मैं इसमें वाटरिंग भी कर देती हूँ और ये देखिए तो ये मेरी वाटरिंग भी हो गई है। और वाटरिंग भी जब भी आप करेंगे आप ये देखेंगे कि पानी पूरा नीचे तक चला, देखिए पानी नीचे से निकल आया। तो चलिए, क्लाइंबिंग रोज का पौधा जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो रिपोर्टिंग भी हो गई है। और फिर मिलूंगी, फिर एक अपने अनुभव शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपने प्लांट्स के। और अभी के लिए इतना ही, बने रहिएगा सुमन की बगिया चैनल पर। ओके, बाय।